माता की। अरे जोर से जयंत भैया 75 के हो गए यार। भारत माता की। ठाकरे जी के बाद हम सबको जिनका स्नेह और प्रेम मिलता है और एक मां के समान मिलता है, ऐसी जयंत भाई को आशीर्वाद देने आई हमारी ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, मुन्ना भैया, इनको सब मुन्ने ही भैया कहते हैं ग्वालियर में, हमारे यशस्वी अध्यक्ष कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, जयंत भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आदरणीय गोपाल जी, अब समय की सीमा है, भूपेंद्र जी, अजय जी सभी बैठे हुए हैं, मोघे जी भी थे यहाँ बीच में, हाँ मोघे जी भी बैठे हैं, लेकिन समय की सीमा है और यहाँ जो बैठे हैं उनमें से अधिकांश को मैं नाम से जानता हूँ और इसलिए ज़्यादा नाम लूँगा तो मैं छूट गया ये चक्कर खड़ा हो जाएगा, इसलिए इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आदरणीय जयंत भैया, आदरणीय भाभी जी, अच्छा मेरा ध्यान नहीं गया जब ताई ने कहा कि कितने स्मार्ट थे, हीरो जैसे लग रहे हैं, तब मैंने ध्यान से देखा और जब वो छोटा फोटो देखा तो मुझे तो ये लग रहा था कहीं उनके मुंह से ये ना निकल जाए ओ मम्मा, उसके बाद का फोटो जरा ध्यान से देखो, शशि कपूर से कम तो नहीं दिख रहे। सचमुच में अद्भुत है जयंत भैया, आजाद भारत में पैदा हुए और नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे भाभी जी के साथ का तो अभी फरवरी में 50 साल पूरे हो जाएंगे, तब भी बुलाओगी ना भाभी। एक अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबके मन को जीत ले, सार्वजनिक जीवन उनका 50 साल से ज्यादा का हो गया, 1971 में कॉलेज से निकल के पहली बार चुनाव में काम किया था उन्होंने और तब उम्मीदवार थे स्वर्गीय विजय मलैया जी, और तब से लेके अब तक सबका दिल जीतते हुए बहुत सहज सरल संकोची शिष्ट शालीन, ऐसे के देखते ही प्यार उमड़ जाए, ऐसे हैं अपने जयंत मलैया, जयंत भैया। सचमुच भैया मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बरसों पुराना साथ हमारा भी है, अब मैं भी जब से होश संभाला तब से काम कर रहा हूं, मैंने उनका शालीन और शिष्ट रूप भी देखा है, लेकिन एक बार मुझे याद है, शायद गोपाल भाई भूपेन जी को भी याद हो, हम लोग थे पटवाजी लड़े छिंदवाड़ा से और वो चुनाव बड़ा भयानक हुआ था, हम सब लोग चुनाव में काम करने गए थे, काउंटिंग होने वाली थी, काउंटिंग में कांग्रेसी गदर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, मैं ये कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, माफ करें ये कार्यक्रम अलग तरह का है, मैं सही घटना सुना रहा हूं, उस समय ऐसी आशंका हुई कि काउंटिंग में गड़बड़ होगी तो जयंत भैया को मैंने तम तमाया चेहरा और बाहें चढ़ा के कलेक्टर की तरफ बढ़ते हुए भी देखा था, देख वो स्वरूप नहीं देखा कई लोगों ने, जब तक शांति से काम निकले शांत और शालीन, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।